ये हमारी कढ़ाई है, और वो कहते हैं कि उचिया लम्बिया लाल खजूर पत्थर जिन्हों के सावे, उस कढ़ाई का की खाना जिन्हों खाद्या मज़ा ना आवे। अहमद ऐसे ही है। हाँ जी, तो आज हम आपको दिखाएंगे पेंडू कढ़ाई का मुकम्मल तरीक़ाकार और मुकम्मल टेस्ट। तो अभी जो हमारा जो प्रोसेस चल रहा है ये वाला है कि अभी गोश्त बॉयल हो रहा है, तो इसका हम वक्फे वक्फे से थोड़े थोड़े टाइम बाद आपको ये मुकम्मल व्लॉग दिखाएंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा ये व्लॉग है कि हम लोग अभी, मैं और भाई घर में अकेले हैं, हम लोग आज देसी मुर्गी की कढ़ाई बना रहे हैं, और ये मेरे भाई हैं, और हम लोग ये देसी मुर्गी की कढ़ाई बना रहे हैं, ये देखें जी। अस्सलामुअलैकुम, हम आज घर में पेंडू कढ़ाई बना रहे हैं। ये मोहम्मद अहमद हैं और ये हमारी है देसी मुर्गी, आपको ये दिखाएंगे अभी, ये देखें। और मैं अभी इसमें जो इसका नमक और मिर्च वगैरह होती है ये डालने लगा हूँ, और आपको वक्फे वक्फे से हम इसकी डिटेल दिखाएंगे, तो आप अहमद से बात करें। आज मैं स्कूल से आया हूँ, और मैं स्कूल से आकर फ्रेश हुआ हूँ, और हम लोग ये कढ़ाई बनाने लगी हैं, अभी आग जलाने लगे हैं, और हम लोग वक्फे वक्फे से डिटेल देते रहेंगे। ये देखें हमारी आग, और ये हमारी कढ़ाई है। हाँ जी, पेंडू कढ़ाई है अभी, और हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं इसकी। जैसे जैसे हम इसको आगे लेके जाएंगे, इसका नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो भी आपको दिखाएंगे। ये हमारी आग ये जल गई है, जैसे ही कढ़ाई बनेगी आपको हम लोग दिखाएंगे। अभी हम लोगों ने हांडी ऊपर रखी है, अभी हम लोग जब भी पकेगी, जैसे ही पकेगी खाएंगे तो हम दोनों, और आपको बस ये सिखाएंगे कैसे बनाई जाती है। हाँ, हम लोग अहमद कह रहे हैं कि खाएंगे सिर्फ हम दोनों, मैं और छोटा भाई अहमद, ये जो है, और आपको सिर्फ दिखाएंगे कि आप कैसे बनाते हैं। ये पेंडू कढ़ाई है, ये बहुत ही मज़ेदार देसी मुर्गी की, और आज हम इंशाल्लाह चस्के लगाएंगे, और आपको वक्फे वक्फे से इसकी जो न्यू अपडेट है वो थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे। हांडी के वो कढ़ाई के रखने के बाद 10 मिनट बाद ये मिर्चे डालनी है, प्याज डालना है, और अदरक डालना है। हाँ जी, ये जो पेंडू कढ़ाई होती है इसमें जो आपने पहले पानी में गोश्त को बॉईल करना है, और गोश्त को बॉईल करने के साथ साथ तकरीबन 10 मिनट का जो टाइम है उसके बाद आपने इसमें हरी मिर्ची डालनी है, अदरक डालना है, और सिर्फ 2 प्याज डालने हैं, प्याज ज़्यादा नहीं डालने, अदरक भी बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। तो हम इसको दिखाते हैं आपको नेक्स्ट इसका रिज़ल्ट। जी जी, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो ये है कि पेंडू कढ़ाई, पेंडू कढ़ाई हमने आपको पहले दिखाया है कि अभी स्टार्टिंग में है, और ये देखें अभी हमारा जो गोश्त है इसको तकरीबन 5 मिनट हो गया, ये उबल रहा है, और इसको उबाइल करने के साथ साथ हम आपको दिखाएंगे इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो ये है कि प्याज, हरी मिर्च, ये वाली दोनों चीज़ें, ये वाली हमें अभी डालनी है इसके अंदर, ताकि ये पानी के साथ उबाइल हो जाए, इनको पानी के साथ उबाइल करना है, और जब ये बिल्कुल मिक्स हो जाएगा और गोश्त उबल जाएगा उसके बाद हम मज़ीद इसमें जो मसाला ज़्यादा डालने हैं वो आपको दिखाएंगे। और अहमद, आप टमाटर ले आए हैं? हाँ, अहमद टमाटर ले आए हैं, और टमाटर भी हम थोड़े से वक्फे से डालेंगे। अच्छा जी, ये अभी गोश्त का जो काम है वो बॉइल हो गया है, तकरीबन आखिरी स्टेज पे है, और हम इसमें अभी लगाएंगे टमाटर, ये टमाटर है, और ये इसमें डाल दिए, क्योंकि इस कढ़ाई में टमाटर, प्याज, धनिया और अदरक का जो मिक्सचर होता है वो गोश्त के साथ बिल्कुल बॉइल हो गए, इसे बिल्कुल इसके साथ मिक्स करना होता है, तो इसका जो दही वाला सिस्टम वो इसमें नहीं डालते बिल्कुल भी। और अभी आपको इसकी जो रेसिपी है वो थोड़ी देर बाद तैयार होगी, फिर आपको दिखाएंगे। बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी, और साथ में सूप है जी, लगाएं काश गरम है देख के, मज़ा आ गया है। मज़ा आ गया जी, मज़ा आ गया ये जनाब।
बहुत टेस्टी है। अल्लाह हाफ़िज़।